क्लास स्टार्ट हो गई है। आज का टॉपिक देखते हैं। आज की डेट है 11 जनवरी 2022। ठीक, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया के फॉर्मूले। सबसे पहले रेक्टेंगल ले लेते हैं। चलिए इसके अंदर जल्दी से सभी बच्चे स्क्वायर काउंट कीजिए, कितना है? आप सबके मोबाइल में नजर आ रहा होगा इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस कितने हैं, काउंट कीजिए जल्दी और बताइए। पांच, जल्दी पांच, जल्दी से काउंट कीजिए और बताइए कितने हैं इसके अंदर, कितने बॉक्सेस हैं इसके अंदर। 32। गुड, अब देखो 32 बॉक्स है। अब एक साइड इसकी लेंथ कितनी है, कितने बॉक्स के बराबर है लेंथ? नहीं, इसकी लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, लेंथ माने जैसे कि हर एक अगर 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, तो इस तरह से टोटल मिला के 8 सेंटीमीटर की है ना लेंथ। और ब्रेथ कितने सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर है ना। और हमने जब इसके अंदर काउंट किया था तो कितना आया था? अगर अगर हम इसे काउंट, गुड बेटा गुड, अगर हम इसे काउंट नहीं करते, हम सीधा 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते, क्या कितना आता? 32 आ जाता ना, है ना। और ये 8 क्या थी? इसकी लेंथ थी। और 4 क्या था? इसका ब्रेथ था। इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आया था? इनका एरिया आया था, क्योंकि इसके अंदर कितना एरिया कवर हो गया था। तो इसीलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, इसको हम एल इंटू बी भी बोल देते हैं। ओके, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और जो भी आंसर आएगा उसके आगे हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, स्क्वायर यूनिट में देखो आपको इसी की बात कर देते हैं। लेंथ कितना था? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना था? 4 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 32। 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ, तो इसके पर हम लगाएंगे सेंटीमीटर की स्क्वायर, पावर 2 लगाएंगे। जो भी यूनिट दे रखी होगी, एरिया निकालते वक्त क्या करेंगे हम? उसके ऊपर पावर 2 लगाएंगे, उसको स्क्वायर बोलते हैं। जो पावर 2 होती है उसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल का है। ठीक, इसी में एक और होता है पेरीमीटर। जानते बेटा पेरीमीटर क्या होती है? नहीं पता? दिखाते पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, या एक और भी हम इसको कहते हैं
चलिए इनसे पहले शुरू करते हैं। पहले एक तो आप इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेंटीमीटर का है नीचे, 1 सेंटीमीटर। चलिए हम यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। इधर यहाँ से यहाँ गए तो 1 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितना सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, यहाँ तक बहुत। फिर इधर से हम लेफ्ट की तरफ मुड़ जाए तो फिर कितना सेंटीमीटर जाना पड़ेगा यहाँ तक आते वक्त, है ना। और ऊपर से फिर नीचे तक यहाँ वापस उसी जगह पे आने के लिए कितना आना पड़ेगा, है ना। तो टोटल कितना हो गया, फिर टोटल कितना हो गया, हम देखो कैसे कैसे गए, 8 सेंटीमीटर गए, उसके बाद फिर हमें 4 सेंटीमीटर जाना पड़ा, फिर 8 सेंटीमीटर जाना पड़ा, फिर 4 सेंटीमीटर जाना पड़ा, कितना हुआ टोटल मिला के, ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो 24 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है या लेंथ है, ये है इसकी बाउंड्री की लंबाई, है ना, और इसी बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं। इसकी टोटल लेंथ जितनी भी बाउंड्री की बनती है वो पेरीमीटर निकलती है। इसका एक फॉर्मूला है, पेरीमीटर का इसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई, नहीं बेटा, लेंथ प्लस ब्रेथ, और जो भी यूनिट दे रखी हो वो यूनिट देख लो। अभी हम लगाते हैं 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी थी, 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी थी, हाँ 4 सेंटीमीटर ब्रेथ थी। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 8 और 4 को प्लस करेंगे तो बनेगा 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ना 24 सेंटीमीटर। एक तरीका तो यह है कि सारी बाउंड्री को ऐसे ही प्लस कर दो, दूसरा तरीका है कि फॉर्मूला लगा के कर लो, ठीक है। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो अभी आपने क्या देखा, रेक्टेंगल में एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपके पास हैं, एक फॉर्मूला ये वाला, दूसरा फॉर्मूला ये वाला। एक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का और एक है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का, क्लियर। तो ये है रेक्टेंगल के लिए। अब आते हैं हम, हमारा दूसरा फिगर है स्क्वायर, कौन सा है, स्क्वायर का फिगर, जरा शेप बनाते हैं स्क्वायर की। ये एक स्क्वायर है, इसके इसके बॉक्स काउंट करके बताइए कितने हैं जल्दी से, 25। गुड, तो एक तरफ ये कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड कितना है, दूसरा भी 5 सेंटीमीटर है। और अगर हम इन दोनों 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आएगा, आएगा ना 25। और इसके अंदर बॉक्स भी 25 ही थे ना, इसके अंदर जो स्क्वायर है वो 25 ही तो आए थे। अगर हम इन्हें निकालते हैं तो हमारा इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो ये जो 5 था ये क्या था, ये था साइड, किसकी साइड थी, स्क्वायर की, और ये क्या था, ये भी साइड था, तो ये साइड किसकी थी, स्क्वायर की। और हमने यहाँ पे करा क्या है,
हमने यहाँ पर साइड को उसी की साइड से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकल के आया, ए फोर एरिया, है ना। तो हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला हाँ बेटा बिल्कुल, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, जितनी साइड बता रखी होगी हमें स्क्वायर की, हमें उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आ जाएगा एरिया, और फिर हम जो भी यूनिट दे रखी है उसके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। क्लियर? तो जैसे हमारे पास दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, उसकी एक साइड दे रखी थी, दूसरी भी तो 5 सेंटीमीटर है, और दोनों को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 5 25 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है, 5 5 25, तो 25 सेंटीमीटर की स्क्वायर, तो ये निकाला है एरिया, यानी एरिया का फॉर्मूला आ गया स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। क्लियर? अब आती है बात पेरीमीटर की, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की पेरीमीटर देखो क्या बताया था, कि या तो सारे के सारे साइड को प्लस कर दो, देखो बेटा 5 5 5 5, 5 यहाँ भी है, 5 सेंटीमीटर यहाँ भी है, 5 सेंटीमीटर यहाँ भी है, तो टोटल मिला के हमारे पास 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 लिख सकते हैं, है ना। तो इसकी जो पेरीमीटर आएगी वो आएगी हमारी 20 सेंटीमीटर, या तो हम 5 को 4 टाइम प्लस कर दें, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते थे 4 मल्टीप्लाई 5 से भी तो 20 ला सकते थे ना, कि हमारा 5 जो है वो 4 टाइम है, 4 बार है हमारा 5, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है हमारा, हाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला बनता है 4, और ये 5 कौन था, साइड था, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और जो भी यूनिट होगी वो यूनिट हम लिखेंगे, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मिलीमीटर, तो ये है हमारा फॉर्मूला स्क्वायर के पेरीमीटर का। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल की पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, और स्क्वायर की पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अब सभी बच्चे 17.3 एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 17.3, देखो ठीक है, ओपन हो गई। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपको इसमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, लेंथ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले में आ जाते हैं, फर्स्ट तो आप कर ही लोगे, मैं सेकंड से ही शुरू करता हूँ आपसे, सेकंड वाला है, सेकंड वाले में क्या दिया है, सेकंड वाला का मतलब बी जो है आपका, इसका बी वाले में क्या दिया है, 4.6 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है ना, तो इसमें लेंथ कौन है, L4 कौन है होगा हमारा 4.6 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कौन होगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ है 4.6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1.5 सेंटीमीटर, और हमें इसका निकालना है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ स्क्वायर यूनिट,
तो लेंथ की जगह पर हम लिखेंगे 4.6 सेंटीमीटर, ब्रेथ की जगह पर लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। अब 4.6 और 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4.6 1.5 मल्टीप्लाई हो गया 5 6 30, यानी 3 जाएगा, 5 4 20 और 3 23 क्रॉस लगेगा, 1 से करोगे तो 1 6 और 1 4 4, 0 6 3 9 4 2 6, 1 के बाद यहाँ पॉइंट डेसिमल और 1 के बाद यहाँ, तो टोटल 2 के बाद हम लगाएंगे तो 6.9, पीछे का 0 नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, 6.9 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, नहीं बेटा रेक्टेंगल नहीं बनाना है, ठीक है, बनाना नहीं है, सिर्फ एरिया का एरिया निकालना, मतलब फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल देना। बताइए किस बच्चे को समझ में नहीं आया, यहाँ पर लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब अगर बी मैंने आपको दिया है तो आप इसका ए सी डी डू योर सेल्फ खुद दीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है आपको मालूम है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और इसके आगे हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में जब आप आएंगे, जैसे कि इसका पहला वाला पॉइंट उठा लेते हैं या फिर डी ही ले लेते हैं, डी देखो, डी में क्या है, हमें दी है साइड दी है 4.5 सेंटीमीटर, जो है ये साइड है, साइड है हमारी 4.5 सेंटीमीटर। अब साइड भी दे दी और हमसे मांगा है एरिया, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या क्या फॉर्मूला बताया, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर यूनिट। तो साइड है हमारी 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर। अब इनको पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.5 को 4.5 से, तो हमारा आंसर आएगा 5 5 25 2 और 5 6, हाँ 4.6 है ना, कैरी 2 चला गया, 5 4 20 और 2 22, और 4 से करोगे तो 4 5 20, 4 4 16 और 2 18, तो हमारे पास आएगा 5 2 0 2, 1 के बाद और 1 के बाद 2 के बाद डेसिमल, तो हमारा आंसर हो गया 20.25 सेंटीमीटर की स्क्वायर। बताइए कौन सा बच्चा है जिसको यहां तक समझ में नहीं आया, बोलिए 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 जल्दी बोलिए। आ गया सबको समझ में, अगला है इसका ए बी सी डू योर सेल्फ, ये आप अपने आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, आपको एरिया निकालने के बोला है, फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करने के लिए बोला है। पहले वाले में आपको एक रेक्टेंगल के बारे में बताया, उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए, अ रेक्टेंगल हैविंग 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 4.4 सेंटीमीटर ब्रेथ। तो इसमें ए में हमें लेंथ दी है
5 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी है 4.4 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा एरिया निकालिए इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो वो हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर लेंथ की जगह पे हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ की जगह पर लिखेंगे 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, डू योर सेल्फ, मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा ना, हो जाएगा। बी देखिए, इसका बी बोला इन्होंने स्क्वायर विद साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो हमें साइड दी है, साइड ऑफ स्क्वायर दी है, साइड ऑफ स्क्वायर हमें बताई है 8 सेंटीमीटर, उसका भी हमें एरिया मांगा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, स्क्वायर यूनिट। फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। तो इसके आगे भी आप खुद ही कर लेंगे, डू योर सेल्फ, ठीक है। क्या नहीं बनाना बेटा, जब तक वो खुद ना बोले, ठीक है, बोलना इसको नहीं बनाना है, सिर्फ सॉल्व करना है। सी में रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ सी, और डी, डी में क्या है, उसमें भी एक रेक्टेंगल है लेंथ और ब्रेथ, उसमें भी डी है, तो ये सी और डी, डू योर सेल्फ, खुद ही दीजिए। सी और डी दोनों का हिंट क्या है, क्वेश्चन 3 का ए पार्ट, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ। सी और डी में भी लेंथ और ब्रेथ ही बोले हैं, और उनका हिंट है आपके पास, अभी जो उसका हमने फर्स्ट ए वाला किया, ए वाला ये किया ना, सर इसको सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है और आंसर दे देना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दी ए नॉट 5 4 सॉरी फोर 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 अब जो साइड ही किया ना, और रेक्टेंगल हैज 18 सेंटीमीटर लेंथ एंड 14 सेंटीमीटर ब्रेथ, और एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर, विच हैज ग्रेटर एरिया एंड हाउ मच, किसका एरिया बड़ा है। देखो दो चीजें, एक तो रेक्टेंगल है हमारे पास और एक तरफ है स्क्वायर, रेक्टेंगल की लेंथ दी है हमें 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है 14 सेंटीमीटर, और स्क्वायर की साइड दी है हमें 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया, दोनों का एरिया निकालेंगे, तो इसके एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और इसके एरिया का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक। अगर हम यहाँ पर 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर यहाँ लिखते हैं, तो इसका एरिया निकलेगा 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो 18 फोर जा कितना होता है, 18 फोर जा 72, कितना बेटा, 8 फोर जा 32 होता है ना, 18 फोर जा 72 बता रहा हूँ, 72 का 2 कैरी 7 चला गया, तो 18 बन जा 18, 18 और 7 25, इसका आंसर ये आया। और 18 को 18 से इंटू करोगे तो 18 एट का कितना होता है 126 का 6 ले लिया, कैरी 12 चला गया, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी
144 होता है, 144। तो 4 यहाँ ले लिया, कैरी कितना चला गया 14, तो 18 बन जाए 18, 18 और 14 32, तो 324। ठीक है, 18 एट जा 144 और कैरी हमने उसका 4 ले लिया, तो कैरी कितना जाएगा 14, तो 18 बन जाए 18। आप मल्टीप्लाई कर लेना नॉर्मली, जैसे सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्लियर? तो अब इन दोनों को देख करके बताइए कौन सा एरिया बड़ा है, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का। इसी में पूछा था ना, विच हैज ग्रेटर एरिया एंड हाउ मच। तो हमारे पास इनका जो डिफरेंस आया है, हम लिखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर हैज ग्रेटर एरिया, और कितना वो हम बताएंगे। 324 में से 252 माइनस करके बताएंगे कि कितना एरिया ये ज्यादा है इसके पास, तो वो आपके पास आएगा 72 सेंटीमीटर की स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर की स्क्वायर का एरिया स्क्वायर में ज्यादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें पहले से ही दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया है, वो दिया है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर की फीट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, वो निकलता है एरिया से। तो लेंथ कितनी दी है इन्होंने, नहीं दी। इट्स ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ की जगह पर तो बोल दिया 6 सेंटीमीटर है, लेकिन लेंथ नहीं मालूम, लेंथ को एल लिख दिया। एरिया है 48 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो लेंथ को अगर यही छोड़ें, आपको क्या सिखाया है कि एक तरफ अगर कोई मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वेरी गुड, ठीक है। सेंटीमीटर की स्क्वायर को अगर 6 सेंटीमीटर साथ में आ जाए, 8 या 48 होता है, तो 1 सेंटीमीटर से इसका 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर का आंसर आएगा। कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी है, लेंथ निकल गई, तो हमारे पास लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। फिर से देख लो, क्वेश्चन 5 में ब्रेथ दी थी और एरिया दिया था, ब्रेथ दिया था और एरिया दिया था, लेंथ मांगा था कि लेंथ कितना होगा। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो एरिया निकलता है। तो जो ब्रेथ जो कि 6 सेंटीमीटर था, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब दूसरी साइड लेके गए तो मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल गया, और तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, डू योर सेल्फ। क्यों करेंगे भाई अपने आप, क्योंकि इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ भी है, आपको सिर्फ एरिया निकालना है। वो आपको पहले ही बता दिया कि जब लेंथ और ब्रेथ दे रखा हो तो एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। देखो, द एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड इज 44 स्क्वायर मीटर। तो हमें बोला है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का एरिया दिया है हमें 44 सेंटीमीटर की स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर सॉरी मीटर की स्क्वायर। अब देखो, प्लेग्राउंड
कौन सी शेप का है? वो रेक्टेंगल की शेप का है। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ यूज करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, क्योंकि यहाँ जो रेक्टेंगल है वो है प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड जो खेलने का ग्राउंड था वो रेक्टेंगल शेप का था। तो उसका फॉर्मूला कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ से निकालेंगे, और लेंथ कितनी दी है? नहीं दी, इन्होंने ब्रेथ दी है 4 मीटर, तो लेंथ नहीं पता लेकिन ब्रेथ हमें 4 मीटर दी है, और एरिया दोनों का मिला के 44 मीटर की स्क्वायर बोला है। तो ये बिल्कुल ऊपर की तरह हो गया, लेंथ यही छोड़ेंगे 44 मीटर की स्क्वायर के पास पहुंचाएंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, और 4 से 11 को 44 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 11 मीटर। तो उस प्लेग्राउंड की जो लंबाई है वो 11 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, ये डू योर सेल्फ है। मैं आपको कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। 8 और 10 आप अपने आप करेंगे, क्योंकि दोनों में ही ध्यान से देखोगे तो लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। जब भी लेंथ और ब्रेथ दे और एरिया मांगे तो दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है उसका एरिया है 10,000 स्क्वायर मीटर, यानी मीटर की स्क्वायर। और आप जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये 10,000 को अगर हम खोलते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 100, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 10,000 आता है। पता है आपको? 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है? 10,000 आता है। अगर ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से दिखाता हूं। पहले हम 10,000 का एक अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे कि आप 2 से ले गए तो 10,000 का आ जाएगा 5,000, फिर 2 से करोगे फिर 2,500, फिर 2 से करोगे तो 1,215, फिर 2 से करोगे 625, अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से 125, फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 पर, और लास्ट में 5 से 1 पर चला जाएगा। तो टोटल कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 4 बार तो 2 है, 1, 2, 3, 4, और 5 भी 4 टाइम है। अब ध्यान से देखिए, इधर इधर साइड कितनी बार लिखा हुआ है? साइड कितनी बार लिखी है? 2 बार। तो हम एक काम करेंगे, 2 2 का ग्रुप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 5 एक ग्रुप बन गया, 2 मल्टीप्लाई 5 एक ग्रुप, फिर 2 मल्टीप्लाई 5 दूसरा ग्रुप, या एक काम करते हैं 2 ग्रुप में बांट देते हैं, 2 ग्रुप के अंदर 2 ग्रुप बनाएंगे, 2 ये और 2 ये ले लेते हैं, 2 2 5 5, एक ग्रुप ये बन गया, दूसरे ग्रुप में ये वाले जो बचे हैं 2 2 5 5, तो हमने 2 ग्रुप बनाए यहां पर, एक ग्रुप 2 2 लेकर के। तो इन दोनों के ग्रुप को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 5 5 या 25, 25 2 या 50, और 50 2 या 100, तो ये आ गया 100, और इस ग्रुप का भी आ गया 100।
अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइड इंटू साइड, यानी सेम था दोनों, तो दोनों सेम कौन हो सकते हैं, 100 100 आगे मीटर स्क्वायर तो चल ही रहा था। तो आपके पास जो साइड आएगी यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, साइड इंटू साइड, जिसको कि आप लिख सकते हैं साइड दो बार एक जैसा है तो इसके ऊपर टू लगा सकते हैं, साइड का हो गया टू। अब आप यहां भी देख सकते हैं कि 100 दोनों तरफ सेम है, तो आप इसको 100 की और मीटर की पावर टू लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दो बार थे, 100 भी दो बार था और मीटर के ऊपर तो दो पहले से ही लगा हुआ आ रहा था। अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, तो अब बताइए साइड कितनी आ गई, 100 मीटर। तो हमारे जो स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो है 100 मीटर। आपका जो होमवर्क है वो है कंप्लीट एक्सरसाइज 17.3 इन स्क्वायर नोटबुक। ठीक है, अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे दीजिए।